राइट गाइस, कैसे सब, क्या हाल, सब क्या है, होप ऑल डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो गाइस, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग लद्दाख जाने की प्लानिंग कर रहे हैं मिड मंथ में, एंड उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट होगा लद्दाख जाने के लिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, या तो बाई रोड या तो बाई फ्लाइट। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो अभी के अभी। उसके बाद मैं सोच रहा था कि दोनों का प्राइस कंपेरिजन करता हूँ कि किसमें ज्यादा खर्चा आ रहा है, किसमें कम आ रहा है। बट फिर मेरे दिमाग में है कि यार, जब तक मैं खुद नहीं जाऊंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूट, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता पड़ रहा है। सो वो वीडियो वाला आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो एक और वीडियो बना दे जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से बेस्ट और मस्ट विजिट प्लेसेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन से प्लेसेस का वहां ज्यादा है, क्योंकि यार पता रहना चाहिए ना कहाँ घूमना है कहाँ नहीं घूमना। कहीं भी थोड़ी चले जाओगे लद्दाख में, वैसे मोस्टली केसेस में पता होगा आप लोगों को कहाँ घूमना है कहाँ नहीं घूमना है, और जो लोग बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते सिर्फ जाना है उन लोगों के लिए वीडियो है। तो आज यही 6 प्लेसेस हम लोग डिस्कवर करेंगे कौन सी जगह घूमने के लिए लद्दाख में बेस्ट है। सो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सुनो स्टार्ट करने से पहले यार मैं कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस है वो है खारदुंगला पास, 18,582 फीट अबव सी लेवल। खारदुंगला पास को बोलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास इसलिए क्योंकि वहां पे बड़े बड़े ट्रक्स, बाइक्स, वॉल्वो सब इधर से उधर क्रॉस होती है, और डिस्टेंस होगा ले से आपका कुछ अराउंड 42 किलोमीटर। बेस्ट मंथ होगा जाने के लिए वही अप्रैल से सितंबर तक, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, क्योंकि देखो स्नोफॉल टाइम बाइक वगैरह चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और परमिट की बात करो तो परमिट भी इजीली आप लोग ऑफिस से वहां पे मिल जाएगा, कुछ आप लोग को चार्ज करना पड़ता है बस। तो सेकंड प्लेस है वो है शांति स्तूप। शांति स्तूप इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल कवर्ड बाय ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। खासकर वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन उनका ज्यादा था जो लोग मनाली वाला रूट लेके ले जा रहे हैं, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता है तो आप लोग उसको आराम से कवर कर सकते हैं। और शांति स्तूप वॉज बिल्ड बाई अ बुद्धिस्ट भिक्षु, एक सन्यासी थे वहां के, उन्होंने बनाया था पीस पगोड़ा मिशन के दौरान। अभी पीस पगोड़ा मिशन क्या मुझे नहीं पता, पर पगोड़ा सब जगह है, तो ऐसा नेपाल में भी है और कुछ साउथ साइड में भी है, तो कुछ होगा पगोड़ा वगैरह। थर्ड प्लेस है वो है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस अमंग ट्रेकर्स एंड ट्रैवलर्स इन लेह लद्दाख। नुब्रा वैली इज अ ह्यूज कोल्ड डेजर्ट, जैसे कि आप लोग रेगिस्तान वगैरह में चले जाएंगे तो पूरा बड़ा सा विशाल दूर दूर से डेजर्ट दिखता है, वैसे ही सेम नुब्रा वैली है। डिस्टेंस है लद्दाख से कुछ 120 किलोमीटर, एल्टीट्यूड होगा कुछ 10,000 फीट के आसपास, मतलब ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है यहाँ पे, मतलब AMS होने का दिक्कत नहीं है। सो काफी अच्छी जगह है, जाके गूगल करो देखो और जाओ। फोर्थ प्लेस इज पैंगोंग लेक, लाइज बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड भूटान, एंड इट्स बेटर देन योर ड्रीम्स। मतलब आपने जितना सोचा होगा उससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह है पैंगोंग लेक। ब्लू माउंटेन्स, ब्लू वाटर, साइलेंट हिल्स, camping in the middle of hills with a beautiful place, a heaven on earth, aisi jagah Pangong Lake. So the fifth place hai wo Magnetic Hill is called Gravity Hill in Ladakh. श्रीनगर से 34 किलोमीटर पहले जब आप लोग लद्दाख पहुंचने वाले रहेंगे तब आप लोग को मैग्नेटिक हिल पड़ेगा। मैग्नेटिक हिल एक ऐसी जगह है जहां पे एक मार्क बना हुआ है, अगर यहाँ पे आप अपनी कार को खड़ा करेंगे न्यूट्रल में ऑफ पे डाल के तो सडनली आपकी कार पीछे ढुलने लगेगी। अब नहीं पता वहां पे ऐसा स्लोप है, क्योंकि रोड देख के मुझे तो नहीं लग रहा कि स्लोप वगैरह है वहां पे। अब हो सकता है कुछ मिस्ट्री होगी, कुछ ग्रेविटी का वो होगा, और पर सिर्फ वही मार्क पे रखने से क्यों पीछे जाएगी गाड़ी, अगर आप थोड़ा आगे या फिर थोड़ा पीछे रखेंगे तो नहीं जाएगा। वो पर्टिकुलर मार्क पे रखने से ही गाड़ी आप लोग की पीछे जाएगी। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, आप लोग काफी सारे ऐसे मिस्ट्री वाली चीजें मिल जाएगी। ओवरऑल मैग्नेटिकल भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोग के लिए, तो डोंट मिस, जाना ही जाना। सिक्स नंबर का प्लेस है वो है रॉयल ले पैलेस। रॉयल ले पैलेस वाज बिल्ड अराउंड 600 to 700 इयर्स अगो, एंड बोलते हैं रॉयल ले पैलेस एकदम अबॉन्डेड टाइप का जगह, हो सकता है हॉन्टेड भी हो सकता है, आप लोग को जाके वहां कोई भूत वगैरह मिल जाए। एंड बोलते हैं कि 9 फ्लोर है और हर एक फ्लोर में आप लोग को पूरे ले टाउन का व्यू बहुत ही ज्यादा मैजिकल दिखेगा। सो रॉयल ले पैलेस इज ऑल्सो अ मस्ट विजिट प्लेसेस। एंट्री है 25 रुपीज है इंडियंस के लिए, फॉरिनर्स के लिए तो 100-120 कुछ होगा, सो सस्ती है। तो अगर आप लोग को लद्दाख रीजन के राजा महाराजाओं के बारे में कुछ जानना है तो रॉयल ले पैलेस आप लोग के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। वहाँ पे म्यूजियम्स भी है, कुछ आप लोग को एंशिएंट वहाँ पे चीजें भी देखने को मिलेंगी, तो रॉयल ले पैलेस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। काफी